ये नेहा आई थी, क्या बोली? ये कि तू बात नहीं कर रहा एंड ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज़ वेरी डेयर। उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स। सीरियसली यार, जब वो मुँह खोलते ना, मैं करता हूँ मुँह में खुश ठूस दूँ। 6 महीने में हैरी डॉल अभी देख लिया मैंने, अभी कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई खुशियाँ। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है एंटी योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर। कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था, मैं बता रहा हूँ। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं सकता। हैप्पीनेस अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, सब जब तक बैटमैन नहीं बना बोलती थी तुम ना कारा हो ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, उसे बोली हाँ तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तक नॉर्मल इंसान चाहिए था, अब मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। ये सब सारा ना कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हो, दोनों साथ साथ कहानी खत्म। उसकी आगे कहानी कोई नहीं बताता, उसकी आगे कहानी मैं बताता हूँ। लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो नाटक, हक किया तो चेप हो रही हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। सारी शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन है, फिर कर्टन है, फिर कुशन कर्टन के साथ मैच नहीं किया तो और कुशन है। सारे मग मेरे इतने घर में, किसे बेचने जाता हूँ, महीने का खर्चा निकल है। एक तो जो चीज़ खरीदने जाएंगी वो चीज़ खरीद के नहीं आएंगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी टेबल लेना है टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में एक साइड चप्पल उठा के लाएंगी, फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाता है, फोन उठाते कह देता हूँ बात नहीं कर सकता, इतना मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या चले जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। उसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस फोन ने की है। कहती है घटिया एडवेंचर है सारी सारी कॉन्स्पिरेसी का साला पट्टा है साला पट्टा। ये तो लो जी 1 पैसा पर सेकंड का, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल चीजों से बात थोड़ी बढ़ जाती करने को, इसका जवाब उन्हें भी दो, तुम्हें बात क्यों नहीं करने को? यू नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तुम्हें करना था तो मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया? अरे मुझे क्या पता मेरी माँ तुझे मुझे कॉल क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुत्तिया, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ, वेर एवर यू गो वी फॉलो। क्यों? उसे पता नहीं था वो इंडिया जा रहा है, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसे पता था, बीवी के चक्कर में झूठ बोलना पड़ा। नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मेरे से कहीं दूर जाना चाह रहे हो? आज तक बेचारे का मजाक उड़ा रहे दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन उठ करके कह देता हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाने नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी, क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ? पहले घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, फिर खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। फिर बंदा अगर कहीं कोने में शांति से चैन से बैठा हो ना, तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा है मुँह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहे हो, क्या कैमरा लगा दूँ दिमाग में? सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ तेरे को, यू कांट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट विद बॉस से जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम मर्दों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन अ आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंसलेस सी बेकार सी चीज़ों की वजह से आर्ग्यूमेंट हार जाए। एक तो आज की बात पर आर्ग्यूमेंट होगा, आज नहीं, आज की बात पर आर्ग्यूमेंट होगा 2 महीने बाद, या सारा याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियाँ बचा के रखती हैं, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज़ करेंगे। तू कभी ट्राई कर लियो, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज़ आएगी, उंगली नीचे करो, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, एक तेरी नदान से उंगली की तरफ इशारा कर रही होगी, सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश इन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट फिंगर एट मी, किसने ये रूल बनाया, किसने? वो बैंड वाला भी ना, वो बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा था, कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, उनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता क्या करने गई थी वो यहाँ पे? अगर सेम क्वेश्चन मैं उसकी फ्रेंड से जाके पूछूँ तो घर कहेगी, अच्छा तो मेरी फ्रेंड से बात कर रहे थे, अच्छा तुम्हें केयर हो रही थी, वाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर, इट रेडिकुलस यार।